पश्चिम से मिले हुविट्ज़र से रूसी फोर्स पर अटैक की ये तस्वीरें देखिए। यूक्रेन की गोलीबारी में रूस के टैंक्स तबाह हुए हैं। बड़ी खबर पर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे क्योंकि अब सवाल यही है, क्या F-16 से अमेरिका वर्सेस रूस, क्योंकि यूक्रेन को युद्ध जिताएगा F-16 लड़ाकू विमान, ये एक बड़ा सवाल है। अब यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता का बड़ा दावा सुनिए, F-16 से बदल जाएगी युद्ध की तस्वीर। F-16 से रूस के कमांड सेंटर्स को निशाना बनाएंगे, F-16 से रूसी हथियारों के नेटवर्क को ध्वस्त करेंगे। अब F-16 क्या वाकई गेम चेंजर बनेगा? बड़ा सवाल, क्योंकि रूसी ठिकानों पर हमले के लिए इसके इस्तेमाल को लेकर बड़ी खबर आई है। रूसी कमांड सेंटर्स, लॉजिस्टिक नेटवर्क पर अटैक की तैयारी है और F-16 के जरिए मिसाइल्स की मारक क्षमता बढ़ेगी। F-16 से यूक्रेनी एयर डिफेंस की ताकत बढ़ेगी। 2500 किलोमीटर बॉर्डर एरिया सुरक्षित होगा और ब्लैक सी और बेलारूस बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ेगी। अब यूक्रेनी एयरफोर्स का ये जो बड़ा दावा सामने आ रहा है, बोरा सर थैंक यू फॉर योर पेशेंस दीपक सर, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्या F-16 गेम चेंजर साबित होंगे? आभारी हो, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे मिलता हूँ, आपका जो आप विश्लेषण करते हैं उसको सुनता हूँ। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूँ, यहाँ पर अभी सुबह के 7:45 और 7 डिग्री तापमान है, इसीलिए मैंने ट्रैक सूट पहन रखा है। बाकी जो विशेषज्ञ आपके साथ हैं, मैं उनके मुकाबले कत नहीं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है कि F-16 नौटंकी जो होने वाली है, इसके क्या मायने हैं? पहली चीज तो ये है मैम कि यूक्रेनी पायलट्स जो खबर आती रहती है अमेरिका में गए हैं काफी समय से, ये ट्रेनिंग करने वो ट्रेनिंग करने, वो सब झूठ है। वो F-16 पर ट्रेनिंग करने गए थे क्योंकि जो बुड्ढन है वहाँ पे, बुड्ढा जो मैं अभी उसी के देश में बैठा हूँ, जो बाइडन साहब, उन्होंने ये बहुत देर पहले ही फैसला कर लिया था कि किसी हालत में इस जंग को नहीं रोकना है, इसको ग्रेजुअली एस्केलेट करते जाएंगे। इसीलिए वो उसको वहाँ पे भी बुलाया था हिरोशिमा में इस सर्कस के जोकर को, और वहाँ सब लोग कहने लगे वाह 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 वाह, ये तो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हमारे साथ आ गया है, अब तो भांगड़ा नाचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सब फैसला पहले हो चुका है, इसीलिए अब वो F-16 की खुली बात कर रहा है। अगर उसने दे दिया फिर मैम ये तबाही का फाइनल चैप्टर होगा, क्योंकि रूस फिर चुप रहने वाला नहीं है। यूक्रेनियन पायलट पता नहीं कितने हैं, 20-30 जितने भी उसको जहाज दिए जाएंगे, लेकिन रूस ऐसा मारेगा उसको। और मैं ये समझता हूँ क्योंकि उसने शुरू से कहा है ये हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल इशू है, हमारे जीवन को खतरा है इससे, वो बहुत मारेगा मैम। और जापोरिजिया की अभी आपने बात की, मुझे तो चेरनोबिल याद आता है, लगभग 40 साल पहले वहां क्या हुआ था, दुनिया का सबसे भयंकर न्यूक्लियर डिजास्टर। आपकी उम्र बहुत कम है, आपने वो नहीं देखा, मैंने तो देखा है, 72 साल की मेरी उम्र है। अगर ऐसा फिर हुआ, वो भी यूक्रेन में हुआ था चेरनोबिल, ये भी यूक्रेन में होगा, तो मिला क्या? सिर्फ बाइडन साहब अपनी री इलेक्शन जीत जाएंगे अगले साल, बाकी यूक्रेन क्या अमृतसर के छोड़ दीपक सर, जो आपने कहा ना उसी पर शर्तों के साथ अगर इस F-16 की एंट्री को मंजूरी मिलती है, इस पर आगे चर्चा करूंगी क्योंकि अगली बड़ी खबर भी यही है, रूस यूक्रेन जंग में गेम चेंजर F-16 की एंट्री को मंजूरी और शर्त के साथ यूक्रेन को F-16 देने की US ने ये मंजूरी दे दी है। अब बाइडन की सहमति के बाद सहयोगी देश दे पाएंगे F-16। F-16 मिलते ही यूक्रेन के अंदर रूस का विध्वंसक प्रहार, क्या वाकई संभव है? F-16 से रूस के अंदर हमला नहीं करने की शर्त भी रखी गई है। अब अमेरिका की इसी हरी झंडी पर यूक्रेन को जिस तरीके से F-16 को लेकर यह बड़ी खबर आई है, इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन को F-16 देने के प्रस्ताव को बाइडेन की मंजूरी को लेकर यह सबसे बड़ी खबर आई। अब अमेरिकी शर्तों के साथ यूक्रेन को F-16 देने पर मंजूरी को लेकर जिस तरीके से खबर है, US की सहमति के बाद अब सहयोगी देश यूक्रेन को F-16 दे पाएंगे। कीव को F-16 से रूस के अंदर हमले की अनुमति नहीं होगी। ब्रिटेन समेत कई पश्चिम देश यूक्रेनी पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग के लिए भी अब तैयार बताए जा रहे हैं और F-16 मिलते ही रूसी कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेनी फौज के ऑपरेशन क्या वाकई और ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि F-16 से रूस पर बड़े हमले को लेकर कई बार स्पेक्यूलेशंस लग चुके हैं, कई रिपोर्ट्स भी सामने आ चुके हैं।